आज भी माँ को खाना बनाते देख समीर को गुस्सा आ गया और वो नीरा के पास गया और उस पर चिल्लाने लगा, नीरा माँ किचन में क्या कर रही है? आपके लिए खाना बना रही है, नीरा शांत स्वर में कहा। क्यों, तुम्हारे रहते माँ को खाना बनाना पड़ रहा है? कितने शर्म की बात है, और तुमने उन्हें मना भी नहीं किया। समीर भी भर पड़ा, शर्म किसके लिए और क्यों? नीरा अभी भी आपको अपने आप को शांत रखी थी। मेरे लिए कि मेरी पत्नी के होते हुए भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा है, और तुम्हारे लिए भी कि तुम बहू होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा रही हो। नीरा के सवाल पर समीर चिल्लाने लगा, ओ तो आपको याद है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, वरना मुझे लगा कि आपको अपनी मम्मी के सिवा कुछ याद नहीं रहता। नीरा की आवाज़ में अब थोड़ी सी तल्खी आ चुकी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? समीर बेरुखी से बोला, हमारी शादी को 6 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन आपको मेरे सभी काम में कमी लगती है। तुमने कपड़े साफ़ किए लेकिन जब मम्मी धोती थी तब ज़्यादा साफ़ होते थे, ये कैसे प्रेस किया? जब मम्मी करती थी तो बराबर क्रीज बैठता था। ये रोटी कैसी बनाई? बहुत कड़क और मोटी है। ये दाल कैसी बनाई? तुमने ठीक से तड़का नहीं लगा दिया, सब्जी में कोई स्वाद नहीं। आज तक आपने गलती से भी एक बार भी मेरे किसी काम की तारीफ की है? नहीं, हमेशा मेरी तुलना मम्मी जी से किया, और मम्मी जी वो तो खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती थी कि उनका बेटा अभी भी उनके आंचल से बंधा हुआ है। नीरा भी अब गुस्से में आ गई, बर्दाश्त नहीं होता है मेरी बात। हाँ सच भी है, सच्चाई कहाँ सबको पछती है, समीर तंज करने लगा। समीर की बात सुनकर नीरा सिर पकड़कर बैठ गई। सच्चाई कौन सी? मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझे अपनी मम्मी को मुझमें मम्मी को खोज रहे हो, जो गलत है। हाँ मैं भी मानती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सेब भी माँ के हाथों से बने सिंपल सी चटनी रोटी में होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने खाना खराब और बेस्वाद बनाया है। आप अपने स्वाद की इंद्रियों को डेवलप कीजिए। जितने प्यार और अपनेपन से मम्मी जी आपके लिए खाना बनाती हैं, उतने ही प्यार से मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन खाना बनाते समय हम दोनों के ही भाव अलग हैं, मम्मी जी अपने बेटे के लिए और मैं अपने पति के लिए। फिर आप ही बताइए कि हम दोनों के बनाए खाना एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आप मम्मी के हाथों से बने खाने से तब से खा रहे हैं जब से आप बोलना भी नहीं जानते थे। कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें भी सिर्फ अपनी माँ यानी कि मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। शायद पापा जी के लिए भी पसंद नहीं आता हो, पापा जी को भी मम्मी के हाथ का पसंद नहीं आता होगा जितना आपको। रोज़ मैं बहुत ही प्यार से आपके लिए खाना बना रही थी, जबकि आपको मैंने बताया था कि शादी से पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया। पहले ही निवाले पर यह बोलकर मम्मी जैसा स्वाद नहीं है मेरी सभी कोशिश पर विराम लगा देते हैं, और आपके मुंह से यह सुनकर मम्मी जी एक व्यंग हंसी से मुझे देखती हैं। क्या गलत किया? आपको माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद मिलेगा, और मम्मी जी के अंदर मुझे लेकर जो डर बैठ गया था, उन्हें उनके बेटे को उनसे दूर कर दूंगी, वो ख़त्म हो जाएगा और मुझे भी मानसिक शांति मिलेगी। नीरा की बात सुनकर समीर चुप हो गया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि नीरा की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। समीर कुछ बोलता तभी रमा जी की आवाज़ दोनों को सुनाई दी। सच ही तो कह रही है नीरा, इसके हर शब्द से मैं सहमत हूँ। आज जहाँ नीरा खड़ी है मैं कल वहीं खड़ी थी। तेरे पापा भी मुझसे यही ताने देते, और तू जब उसी खाने की तारीफ करता था तो माँ का दिल खुश हो जाता। आज एक बात समझ गई कि खाना यह सोचने की जगह यह सोचना चाहिए कि कितने प्यार से बनाया है, तो खाने का स्वाद अपने आप दुगना बढ़ जाएगा। माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरा दिल दुखाया। खाने की तुलना कभी भी तुलना करना अच्छा नहीं होता। माँ के हाथों में स्वाद तो पत्नी के भी अन्नपूर्णा होती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी